फाइनेंस कंपनी का एजेंट बनाकर गाड़ियां दिलवाने के नाम पर व्यक्ति से धोखे से 3,40,000 रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने कालका से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और मामले की छानबीन जारी है। फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर गाड़ियां दिलवाने के नाम पर व्यक्ति से धोखे से 3.40 लाख रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने कालका से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रही है। पुलिस थाना भोरंज में पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। भोरंज पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को उसके कालका स्थित किराए के कमरे से गिरफ्तार किया, जहाँ वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था। पुलिस थाना बोरस में पीड़ित रोहित सोनी निवासी लद्रोर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि शशिपाल ने खुद को फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर एक मुश्त पैसे देने पर दो गाड़ियां सस्ते दामों पर दिलवाने की बात कही थी। इस पर उसने आरोपी के बताए खाते में 3,40,000 रुपए जमा करवा दिए थे। वह आरोपी को पहचानता था क्योंकि वह उसके पास आता जाता रहता था। आरोपी ने खुद का नाम अनंत सहगल निवासी सरकागढ़ बताया था। कहा कि कंपनी के पास भी गाड़ियां हैं जिनकी किस्तें मालिक नहीं दे पाए हैं। अब कंपनी उन्हें जब्त करके ले आई है और एक मुश्त पैसे मिलने पर इन्हें सस्ते दामों पर बेचेगी। इस पर पीड़ित ने हामी भर दी और आरोपी के बताए खाते में रुपए जमा करवा दिए, लेकिन जब गाड़ियां उसे नहीं मिली तो उसने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस छानबीन में आरोपी शशिपाल उमर 23 साल निवासी गांव कोट तहसील घुमारमी जिला बिलासपुर निकला। भोरंज पुलिस ने कालका में दबिश देकर उसके किराए के कमरे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है, मामले की छानबीन जारी है। भोरंज थाने के अंतर्गत है, जिसमें शशिपाल नामक 23 वर्षीय शशिपाल नामक व्यक्ति जो घुमारवी बिलासपुर के रहने वाले हैं, उनको पुलिस की टीम ने कालका से अरेस्ट किया है। इसमें हमको एक कंप्लेंट मिली थी रोहित सोनी जो लदरौर के रहने वाले हैं उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये शशिपाल नाम का व्यक्ति जो है, इन्होंने श्रीराम फाइनेंस के झूठे एजेंट बन के इनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको 3 गाड़ियों की, एक स्विफ्ट डिजायर, एक ऑल्टो और एक और अन्य गाड़ी की फोटोज दिखाई और कहा कि जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने डिफॉल्टर्स यानी जो व्यक्ति अपना लोन ना दे पाए उनकी गाड़ियां जब्त की हैं और उनको अब 1 फुल टाइम सेटलमेंट के माध्यम से बेचने की इच्छा रखती है। इस बात के झांसे में आकर रोहित सोनी जी ने 3,40,000 रुपए जो है इस व्यक्ति को दिए, पर उनको गाड़ियां नहीं मिली। उसके बाद जब हम, ये नवंबर की 19 की बात है, उसके बाद हमने काफी डिटेल में जब इंक्वायरी की तो उसके बाद हमारे शशिपाल के वेयर अबाउट्स का पता चला। ये काफी नोटोरियस और शातिर व्यक्ति है जो पहले भी सुना है इस तरह के कामों में संलिप्त रहा है अलग अलग बाकी जिलों में और बाकी स्टेट्स में। इसको हमने अरेस्ट करने के बाद अब इनके साथ जो आगे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 और व्यक्ति हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, जिन पे हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं और होपफुली वो भी हम जल्द पकड़ पाएंगे। इस मामले में 153 नंबर FIR भोरंज थाने में 420 धारा के अंतर्गत पंजीकृत है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है।